यूथरीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 1.1 प्रश्नावली, 10th क्लास के 1.1 प्रश्नावली में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। पहले क्वेश्चन का पहला भाग है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। हम एचसीएफ जो महत्तम समापवर्तक है ये चौथी पांचवी कक्षा में बड़ी भाग द्वारा हल कर चुके हैं, सीख चुके हैं। केवल उसके मेथड को थोड़ा सा समझना है और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि दो संख्याएं हैं 135 और 225, तो बड़ी संख्या को हम अंदर रखेंगे, छोटी संख्या को बाहर रखेंगे और भाग करेंगे। 135 एकम में 135 और घटाएंगे तो 90 बचेगा, 90 एकम 90, 45 बच जाएगा। फिर 90 को उठा के अंदर रखेंगे, 45 दूनी 90 और शेषफल 0 होगा। जैसा कि भाग पर भाग करते हैं तो भाज्य 225, भाजक 135 और भागफल इसमें 1 है और शेषफल 90 है। तो हम इसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेष के रूप में लिखते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लिखते हैं भाज्य बराबर ए, भाजक बराबर बी, भागफल बराबर क्यू और शेषफल बराबर आर। तो ए बराबर बी गुणा क्यू जमा आर। ए का मान है 225, बी का मान 135, क्यू का मान 1 और आर का मान है 90। जब हम पहली बार भाग कर रहे हैं, पहली संख्या 225 को भाग किया तो ए बी क्यू प्लस आर। अब दूसरी बार जब हमने भाग किया है ए बी क्यू प्लस आर, तीसरी बार जब भाग करेंगे तो a बराबर b गुणा q प्लस r। जब r जीरो आ जाए तो b का मान जो है वो HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो इस फॉर्म में भाग करके हम आसानी से इस तरह से लिख के और HCF निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य दो भाग भी इसके करेंगे। ये पहला भाग था, इसके बाद दूसरा भाग देखते हैं।